स्वागत है आपका हमारे अगले इस पीरियड में। और आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं प्रेडिकेट के अंतिम पार्ट यानी कि कॉम्प्लीमेंट पर। हम चर्चा कर चुके हैं सेंटेंस के बारे में पिछली क्लासों में। आपने नहीं देखी है तो क्लासें आप चैनल पर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनाकर अपलोड की गई है, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। और स्टेट बोर्ड एग्जाम्स ग्रामर के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो बिल्कुल क्रम में आपको वहाँ पर क्लास देखने को मिल जाएगी, तो आप शुरू से देख सकते हैं। आज जो बात करेंगे हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट पर। कॉम्प्लीमेंट, सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट जानेंगे, कॉम्प्लीमेंट किसको कहते हैं, किस रूप में हम इसको प्रयोग कर सकते हैं और कितने प्रकार का कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। इससे पहले हमने बात की है वर्ब और ऑब्जेक्ट पर, क्योंकि तो जो एक स्ट्रक्चर हमारे होती है वो कुछ इस प्रकार की होती है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट होता है और ये होता फिर कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट को छोड़कर जितना भी पार्ट होता है वो सब प्रेडिकेट का भाग होता है। किसका भाग होता है? प्रेडिकेट का। प्रेडिकेट का पार्ट होता है और जो पहला पार्ट होता है वो होता है सब्जेक्ट का। कह सकते हैं सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, ये होता है सेंटेंस को इक्वल करता है, सेंटेंस के बराबर होता है। यानी कि सेंटेंस में दो चीजें होती हैं, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा कॉम्प्लीमेंट होता है। सब्जेक्ट के पार्ट्स भी हमने जाने हैं, वर्ब को जान लिया है, ऑब्जेक्ट को जान लिया है, आज हम जानेंगे कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम कॉम्प्लीमेंट का अर्थ जानेंगे। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, पूरक। और इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है टू कॉम्प्लीट, टू कॉम्प्लीट। यानी कि कॉम्प्लीमेंट हम कहते ही उस शब्द को है या फिर शब्दों के उस समूह को है जो अर्थ पूर्ण करता है। यानी कि कह सकते हैं कि वर्ड्स और फ्रेज विच कॉम्प्लीट द सेंस ऑफ प्रेडिकेट या फिर एक सेंटेंस के अर्थ को पूर्ण करता है, कॉम्प्लीमेंट हम उसी को कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग नाउन के रूप में भी हो सकता है, एडजेक्टिव के रूप में भी हो सकता है, प्रीपोजिशन के रूप में भी हो सकता है, या फिर हो सकता है एडवर्ब के रूप में, पार्टिसिपल के रूप में भी हो सकता है, पार्टिसिपल के रूप में हो सकता है और कई अन्य रूपों में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो कॉम्प्लीमेंट होता है, कॉम्प्लीमेंट के जो प्रकार है वो क्या क्या है और एक सेंटेंस में किस तरह से हमें दिख सकता है, ये थोड़ा देख लेते हैं। ये आप नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। बात करेंगे सबसे पहले हम कॉम्प्लीमेंट के प्रकार के बारे में। काइंड्स क्या है? सबसे पहला है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। नंबर दो पर आता है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, यहां पर सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट से आप थोड़ा बहुत यहां पर आप समझ गए होंगे कि सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो क्या है, सब्जेक्ट को रेफर करेगा और जो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा वो ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा। यानी कि सब्जेक्ट के बारे में जब बताया जाएगा तो
तो सब्जेक्ट की तरफ ही क्या है वो संकेत करेगा, यानी कि वो शब्द जो हम यूज करेंगे सब्जेक्ट के लिए ही करेंगे। और अगर हम ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो जो कॉम्प्लीमेंट के रूप में हम प्रयोग करने वाले हैं शब्दों को, वो ऑब्जेक्ट के लिए होगा। जैसे यहाँ पर मैं सबसे पहले बात करता हूँ सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट की, तो इसका मैं यहाँ पर अगर एक एग्जांपल लूँ तो इस तरह से हो सकता है, ही इज ए टीचर, इज ए टीचर। अब यहां पर आप थोड़ा समझेंगे, जो यहां पर ही है और जो ए टीचर है, इन दोनों का आपस में यहां पर साफ रिलेशन दिख रहा है, यानी कि जो यहां पर सब्जेक्ट है ही और ए स्टूडेंट, जो ए टीचर है, ए टीचर का प्रयोग किसके लिए किया गया है, ए टीचर का प्रयोग किया गया है ही के लिए। तो हम कह सकते हैं ये किसको रेफर कर रहा है, यानी कि जो ए टीचर है वो किसको रेफर कर रहा है, वो कर रहा है ही को रेफर। तो जब ही को रेफर कर रहा है तो हम समझ लेंगे कि ये ही हमारा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। इनके बीच में लिंकिंग वर्ब का प्रयोग होता है अक्सर। लिंकिंग वर्ब वही वर्ब होती हैं, वर्ब्स होती हैं जो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से लिंक करती है, यानी कि सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को संयोजित करती है। तो यहां पर जो इज है ये क्या है, इन दोनों को लिंक कर रही है, यानी कि इसी को हम कहेंगे लिंकिंग वर्ब। अब हम जानेंगे ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का एक एग्जांपल लेकर। जैसे हम यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं, वी मेड हिम मॉनिटर ऑफ क्लास, वी मेड हिम मॉनिटर ऑफ क्लास। तो यहां पर जो मॉनिटर ऑफ क्लास है वो हिम के लिए प्रयोग किया गया है, किसके लिए प्रयोग किया गया है, हिम के लिए प्रयोग किया गया है। और हिम क्या है, यहां पर हिम यहां पर ऑब्जेक्ट है सेंटेंस का, और मॉनिटर ऑफ क्लास हिम के लिए ही प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो मॉनिटर ऑफ क्लास है ये हिम के लिए प्रयोग होने के कारण ही ये क्या है, ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि ये क्या है, ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहा है, ऑब्जेक्ट की ओर संकेत कर रहा है। तो इस तरह से हम समझ लेंगे जो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है वो क्या होता है और जो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है वो क्या होता है। तो अभी तक जो हमने पिछली क्लासों में पढ़ा है वो बिल्कुल जो बेसिक्स होते हैं ग्रामर के, उन सब पर चर्चा की है। इसके बाद जो हम अब आगे पढ़ने वाले हैं, आगे थोड़ा या तो हम टेंस करेंगे या फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच पर बात करेंगे और बिल्कुल डिटेल से उनके बारे में जानेंगे बहुत अच्छे से। तो आप यहाँ तक की जो क्लासें हैं वो कर लें अच्छे से, हमारे चैनल पर सारी क्लासें डाल दी गई हैं तो आप वहां से कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पर रिकॉल करूंगा थोड़ा पीछे का कि हमने अभी तक जो पिछली क्लासें हैं उनमें क्या क्या बातें की हैं, तो ये नोट कर लें या फिर इसको आप मिटा सक जो अपने फोन में स्क्रीनशॉट के तौर पर भी रख सकते हैं, बाद में आप नोट कर सकते हैं। हम थोड़ा जो पीछे का हमारा है वो रिकॉल करेंगे एक बार। सबसे पहले जो हमने पहली क्लास में पढ़ा है वो पढ़ा है अल्फाबेट के बारे में, और अल्फाबेट में हमने जाना है कि जो अल्फाबेट होती है उसमें 26 लेटर्स होते हैं, और 26 लेटर्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड करके देखा था, यानी कि एक पार्ट होगा 5 का
और एक भाग जो होगा, जो दूसरा पार्ट होगा वो होगा 21 लेटर्स का। इस तरह से अगर हम इनको ऐड करते हैं तो ये 26 हमारे क्या है लेटर्स बन जाते हैं। ये लेटर्स होते कौन से हैं, जैसे कि ए टू जेड जो होते हैं, ए बी सी डी, ये इस तरह के जो लेटर हैं, ये सभी लेटर्स क्या है, ये वर्णमाला के अंतर्गत आते हैं। वर्णमाला की डेफिनेशन को हमने जाना था, ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अन अल्फाबेट। तो वो चीजें बड़े अच्छे से हमने समझाई हैं, आप जाकर देख सकते हैं। उसके बाद जो ये है, ये कौन कौन से हैं, जैसे कि यहाँ पर जो पांच संख्या है इसको हमने वोबिल नाम दिया, वोबिल्स, और ये हैं ए ई आई ओ यू, और इन पांच को छोड़कर जितने भी हैं बी से जेड, ये सभी किस में है, ये किस वाले ग्रुप में है, यानी कि इसको नाम दिया था हमने कॉन्सोनेंट्स, इसको नाम दिया था हमने कॉन्सोनेंट। अगर हम वोवेल की हिंदी की बात करें तो इसका मतलब होता है स्वर, और कॉन्सोनेंट की अगर हम हिंदी की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है व्यंजन, व्यंजन और स्वर। तो इस तरह से हमने वहां पर ये सारी चीजें की। उसके बाद हमने जाना लेटर किसे कहते हैं, लेटर के बाद हमने देखा वर्ड किसे कहते हैं। इनको जानने के बाद फिर जो हमने नेक्स्ट क्लास की थी उसमें हमने सेंटेंस को बनने का जो पूर्ण प्रोसेस होता है उस पर बात की थी, यानी कि इनको हमने उसमें इंक्लूड किया है। और उसके बाद हमने बात की थी फ्रेज, फ्रेज किसे कहते हैं, और फिर फ्रेज से बनने वाली क्लॉज पर हमने बात की थी, और क्लॉज से बनता है सेंटेंस। तो इन सभी बातों पर हमने बहुत अच्छे से चर्चा कर ली है। तो एक सेंटेंस को पूर्ण होने में जो चीजें होती हैं ये होती हैं, हमने वहां पर जाना था कि जो वॉवेल्स हैं इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या 5 है, लेकिन इनके साउंड जो हैं वो कितने हैं, 20 हैं, और जो 21 कॉन्सोनेंट हैं इनके साउंड 24 हैं। तो इस तरह से हमारे 26 लेटर्स के जो साउंड हैं वो कितने हैं, 20 + 24 यानी कि 44, 44 साउंड्स हैं और 26 लेटर्स हैं। वहीं पर हमने जाना था ए और एन का यूज, ए और एन का यूज जाना था कि हम किन शब्दों से पहले ए का यूज कर सकते हैं, किन शब्दों से पहले हम एन का यूज कर सकते हैं। ये सब बताया था कि ये सब होता है डिपेंड साउंड पर, साउंड किस तरह से ये थोड़ा जानेंगे। हिंदी की वर्णमाला का जो साउंड होता है, जैसे कि हिंदी की वर्णमाला होती है, इंग्लिश में भी होती है वर्णमाला और हिंदी में भी होती है, तो हिंदी के स्वर होते हैं, हिंदी के स्वरों से जो निकलने वाली ध्वनियाँ होती हैं, अगर कोई शब्द उनसे शुरू है तो उनसे पहले हमें एन का यूज करना है, और हिंदी वर्णमाला के कॉन्सोनेंट से, यानी कि जो व्यंजन है हिंदी वर्णमाला के, उनसे निकलने वाली जो ध्वनियाँ हैं उनसे कोई शब्द अगर शुरू है तो उसके पहले हम ए का यूज करते हैं। लेकिन शर्त होती है कि इनकी संख्या एक होनी चाहिए, क्योंकि ये सिंगुलर में प्रयुक्त होते हैं। उसके बाद हमने जाना कि सेंटेंस किसको कहते हैं और सेंटेंस के पार्ट्स क्या होते हैं। सेंटेंस को हमने दो भागों में पढ़ा था, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। उसके बाद हमने सब्जेक्ट के भाग देखे थे, सब्जेक्ट के भाग किस तरह से देखे थे, यहाँ थोड़ा हम रिकॉल कर लेते हैं एक बार। देखिए जब हमने सेंटेंस पढ़ा था, सेंटेंस को हमने पढ़ा था सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट के रूप में, और सब्जेक्ट के पार्ट्स की अगर हमने बात करें तो हमने पढ़ा था कि एक होगा उसमें मेन वर्ड, और जो एक होगा वो होगा क्वालिफायर। क्वालिफायर के तीन भाग हो सकते हैं,
सबसे पहला होगा डिटरमिनर, उसके बाद एक एडजेक्टिव हो सकता है यहां पर, और एक होगी इसमें एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज होगी। तो इस तरह से हमने सारी चीजें की, और आज हमने पूरी तरह से पढ़ लिया है किसको, प्रेडिकेट को। प्रेडिकेट में इस क्लास से पहले जो वर्ब और ऑब्जेक्ट है वो पूरा अच्छे से क्लियर कर दिया है, और आज हमने पढ़ा लास्ट पार्ट इसका कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट यानी कि पूरक, और पूरक का मतलब ये होता है कॉम्प्लीट करना, यानी कि कंप्लीट करने वाला। तो ये सेंस को कंप्लीट करता है सेंटेंस के, या फिर कह सकते हैं एक प्रेडिकेट के अर्थ को पूर्ण करता है। इस तरह से आज हमने जाना प्रेडिकेट के प्रकार जाने। इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यहाँ पर ग्रामर बिल्कुल बेसिक से सिखाई जा रही है, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें इसी तरह से सिखाई जाती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।